गहरा के ग्रामीणों के सूखे हल्क बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार। ग्रामीण लोग दूर पनिहार से पानी भरने को मजबूर। जी हाँ, ग्राम पंचायत गहरा के निचला जोवा के सैकड़ों लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बताते चलें कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर के दायरे में आने वाली इस ग्राम पंचायत गहरा की आबादी 3 से 3,500 के बीच में है और अब इन ग्रामीण लोगों को पानी नहीं होने पर अपने घर से 4-5 मील दूर अपने और अपने मवेशियों के लिए पानी सिर पर ढोकर लाना पड़ रहा है। को लेकर भी रोष है कि जिस जगह पर पानी का सोर्स था उस जगह सड़क के निर्माण का कार्य जला हुआ है और उस सड़क का सारा मलबा गांव के साथ वाले नाली में फेंक दिया गया है, जिस कारण नाले तो बंद हुए ही तो वहीं कुदरती पनिहारे भी सूख गए। इन ग्रामीण लोगों का यह भी कहना है कि जल शक्ति विभाग द्वारा उनके गांव के लिए जो पीने की पाइपलाइन बिछाई गई है वह खुले में ही रखी है और वह पाइप फेंकी गई मग से जगह जगह से टूट गई है। पिछले एक महीने से पानी की किल्लत को झेल रहे यह लोग जिला प्रशासन और जल शक्ति विभाग से काफी नाराज हैं। यह सभी ग्रामीण महिलाएं सुबह सवेरे अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर तक एक पनिहारे पर आ पहुंची हैं, जहां से यह अपने और अपने मवेशियों के लिए पानी को ला सके। ऐसा है कि यहां सर बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा हमारे यहां, बहुत ही दिक्कत है और ये हमने कई बार इन जो हमारे लाइन इंचार्ज रखे हुए हैं उन लोगों से भी कहा है, फिल्टर होते नहीं, आते नहीं, लाइन पे आते नहीं है और यहाँ पानी होता नहीं हमारे को और इसलिए हमारे को नाले में जाना पड़ता है। नाले में चला हुआ है काम रोड का, वहाँ एक तो सबसे पहले खतरे का काम है, वहाँ जब जो पानी लेने जाएगा सोच के जाना पड़ेगा कि सर पे काम पर बांध के जाना पड़ेगा, मर भी सकता है लोग वहाँ, मर भी सकते हैं क्योंकि ऊपर से मशीन लगी हुई है। तो ये ऐसा है कि मतलब बहुत ही शर्म की बात है कि मतलब यहाँ इतने इतने बड़े अधिकारी है, मतलब उनको भी चिंता होनी चाहिए कि हम जनता कैसे रह रही है, हमारे को मतलब कितनी दिक्कत आ रही है पानी से, पानी के लिए गाँव मतलब ये जितने भी पशु है उनको पिलाने तक का पानी नहीं हमारे को, क्या करें हम तो बोल ही सकते हैं ना, या हम हेल्प कर सकते हैं उनकी, ऐसा भी नहीं। विभाग से सर ये हम ये चाहते हैं कि हमारे को मतलब पानी चाहिए, प्रॉपर पानी चाहिए सर हमारे को। एक महीना हो गया पानी आया नहीं, महीना हो गया सर पानी नहीं है हमारे गांव में और गांव और पशुओं को भी पानी नहीं है। हम नाले से लाते हैं, ऊपर रोड का काम चला हुआ है, वहाँ से पत्थर गया, पता नहीं है फिल्टर को बोलते हैं तो वो पानी नहीं छोड़ते, पाइप भी टूट चुकी है हमारी, लाइन जो है वो लाइन ही है नहीं। पानी की प्रॉब्लम आ रही पिछले एक महीने से, यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे पानी का जो मेन सोर्स था वहाँ पे पाइप टूट चुकी है, मतलब रोड का काम लगा था उसकी वजह से पाइप वहाँ पे डैमेज। कपड़े कपड़े अब देखो नाला में अगर हम कपड़े धोने जाएंगे नाला में भी पानी ओपन ही है, वो भी उन्होंने दबा दिया हुआ है, मक फेंकी उन्होंने रोड की ना। अच्छा। वो भी मतलब उनको वहाँ पे मतलब पानी निकाल के रखना चाहिए था कि हम नाला में भी चलो जाके नहा ले, कपड़े धो ले या मवेशियों को पानी पिला ले, वो वहाँ भी उन्होंने बंद कर दिया हो ना वो भी नाला, वो भी उनको खोलना चाहिए। अब मेन पाइप तो उन्होंने बंद कर दी, मेन जो पानी था पीने वाला वो तो उन्होंने बंद कर दिया, ऊपर से नाला भी दबा दिया, तो यहाँ कहाँ जाएगा यहाँ का मतलब जो जो यहाँ पे रह रहे हैं गांव के लोग,